स्वागत है आप सबका और एक व्लॉग में। ये व्लॉग 20th मई का ही है, जो व्लॉग पिछला व्लॉग हमने जहाँ पे एंड किया था उसी दिन का ये व्लॉग मतलब नेक्स्ट व्लॉग है। हमने होटल शिफ्ट किया और मैंने सोचा फिर लेह वाला ये व्लॉग बनाए। अब यहाँ से हम वो हरदुंगला शायद कहते हैं उसको, ऐसी कोई प्लेसेस है, बहुत अजीब अजीब नाम है, वहाँ पे जाने वाले हैं, तो ये उस चीज़ का व्लॉग रहेगा। उसके पहले हम यहाँ ये होटल से 5 मिनट पे लेह का मार्केट है नीचे, वहाँ पे जाएंगे और ये होटल भी काफ़ी सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें हम इस व्लॉग में कवर करेंगे और थोड़ा सा लोकल शॉपिंग में पहले तो चीज़ें ली है कुछ, पर वो कुरियर करवाई है, कुछ मेरे साथ है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा डैड के लिए कुछ लूँ, क्योंकि बाकी जो स्टफ़ है वो सिर्फ मम्मी और मेरे लिए ऐसा लिया है और बहनों के लिए वगैरह। तो अभी डैड के लिए कुछ लूँ, और अगर ये लोगों को लड़के लोगों को चाहिए, उनको घर पर कुछ लेना है तो वो सब देखते हैं। मैं एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ अभी, मेरे बाल जो है वो बहुत ऑयली है क्योंकि मैंने ऑयल लगाया है, जो मैं मुँह पर भी लगा रही हूँ अब मैंने बालों पर भी लगाया था, और मेरे पास अभी पाउडर शैम्पू है, तो मुझे वो बस ट्राई करना है कि ऑयली बालों पे वो कैसे काम करता है। मैंने खास लेह लद्दाख के लिए वो पाउडर शैम्पू मंगाया था, और आज हम ऑक्सीजन की गोलियां ले ही लेंगे, एटलीस्ट मैं और करण, क्योंकि बोलता ना मन वाट लगते, सांस लेने में दिक्कत ऐसा कॉन्शियसली फील नहीं हो रहा है, बट यू रन आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन यू टॉक। ये कोई प्लांट बेस्ड वगैरह ऐसा क्या क्या है वो ऐसा आ नहीं रहा है। भगवान वाट लग गया पैंट का, पैंट से जा नहीं रहा है ऐसा शैम्पू लेके। ये किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया पाउडर शैम्पू जैसा मैं करने जा रही हूँ। ये वाइट है तो बाल ग्रे नहीं दिखे भाई, ये बालों पर अगर ये शैम्पू ने काम किया तो फिर भाई माना इसको, देखते हैं। हो गया क्या, कॉम करने दो, रुको। मुझे यहाँ पे धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे आएगी मेरी नहीं। ओके, बालों में से जो ग्रीसी हो गए थे ऑयल की वजह से वो तो मैटिफाई कर दिया इसने, पर ये ऐसा एक मैंने ज़्यादा लिया था, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना ही मैंने इसके वीडियोस देखे। लेट्स डू अ थिंग, लेट्स, बहुत ऑप्शन है मेरे पास, कुछ भी कर भी जाएगा। मेरे पास एक हेयर मिस्ट है तो मैं वो अप्लाई करूँगी, अगर ये ऐसा ग्रेटेड छोड़ने वाला है तो। मार देंगे गाना अच्छा है वो भाई, सैया मार देंगे इसको, मारेंगे सैया, मार देंगे मुझे छेड़का नहीं करोगे तो मार देगा ना सैया। वो गाना तो मिलता सर, मुझे अपने आप ही देखा ऐसा कर सकता है। अभी टॉपिक चेंज कर रहे हम लोग, अभी फिरोज जाता बोल रहे हैं, हम लोग सुबह जा रहे हैं। हां यार बेटा नहीं है सर, तो सीन ऐसा था कि ये वाओ स्किन साइंस का अपना बाइक पे जो लोगो है ना उसका एस जो था ना वो गिर गया था, तो ये मुझे कह रहा था कि मुझे एक एस बना के दे, तो मैंने ये एस इसको बना के दे भी दिया। फिर ये कहता है कि नहीं मैं बनाऊंगा, और ये पिछले कुछ टाइम से इसका एस बनाने का कोशिश चल ही रहा है। दोस्त देख कैसे, कैसे मैं हूँ कलाकार, मेरा नाच मत कर क्योंकि मेरी लीला है अपरंपरा, देखते जाओ देखते जाओ। तो फॉन्ट कुठला है तू, त्याच्या मध्ये बॉक्स सारखा एस टाकून काय करतो, त्याला पण आकार देणार भाई, थोड़ा सा भी ज्यादा कापा ना थोड़ा हो रहा है। मैंने इसको कहा भी कि मैं इससे अच्छा बना के दे सकती हूँ, ऐसा चलेगा क्या, तो ये अब खुद बना रहा है भाई। मैं जो एस बनाऊंगा ना बहुत चक्की हो जाओगी, बहुत चक्की क्या हो जाओगी, बहुत चक्की। कुछ तो अच्छा किया इसने इतने ट्राई के बाद, तो ठीक है, पर ये मेरा फर्स्ट ट्राई वाला एस था जिसपे ये हंस रहा था, ठीक है ना, नॉट बैड ना था। कैसा है, कुछ नहीं तो यही सही, हाँ चल मैं लगा के आता हूँ, ये भी लेके जाओ सिंपल से, हलावण्यापेक्षा ना दिमाग गड़ा कापून गेल। तुमको क्या लगा, थोड़ा सा आजारी मैं गिर गई तो मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी, और मेरा ये जो सपना था वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। पूरा रेडी होके अभी हम नीचे जा रहे हैं, मेरे पास सेफ्टी पिंस थी पर वो लगता है वो कार में रहेगी, तो अब वो मैं ढूंढ रही हूँ। ये जो ऑक्सीजन की गोली है दूसरी बार शूट कर रही हूँ, वीडियो बंद क्यों हो गया था पता नहीं, स्टोरेज फुल हो गया रहेगा तो वाट लग जाएगी फिर से, तो ये मैं अभी ले रही हूँ, डायमॉक्स नाम है इसका। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो पहले गोली खाते फिर पानी पीते, और जो रहते हैं जो पानी पीते फिर गोली खाते, और फिर जो होते हैं वो गोली खाते पानी भी नहीं पीते, आप कौन से? मैं पहले गोली मुंह में रखता हूँ और फिर पानी। चलो ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज,
लगे गाड़ी तो नहीं तो है। एक जगह पे अभी वो परमिट लेने के लिए रुके हैं हम, और मेरा वो होली से काम 25 होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ऐसा मेरा चक्कर जैसा फील आ रहा है, और फेस पे ऐसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के बाद एक अलग सेंसेशन आता है, वैसे हो रहा है। तो मैं बहुत पानी पी रही हूँ, और फिर अभी आगे जाएंगे, और पता नहीं मेरा चेहरा बहुत डल पड़ गया है। मैं घर से निकली थी तब मेरा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था, बट अभी बहुत डल पड़ गया, ऐसा ब्लैक हो रहा है चेहरा, मे बी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी, पता नहीं, देखते हैं। बोलते वक्त भी मेरी ऐसी रोड पे अंकल जो मचा रहे हैं, और पीयूष दादा की पीछे फट के वाट लग चुकी है, और वो रहे हमारे राइडर्स। मतलब हमारे जैसे ड्राइवर तो यहाँ पर कुछ काम के ही नहीं है। मस्त ठंडी है, और पानी इतना पिया कि अभी सुसु आया है, और थैंकफुली यहाँ तो वॉशरूम भी है, तो अभी देखते हैं वॉशरूम में जाते हैं। सर वॉशरूम क्या इधर सांगत पड़ नहीं है तो एकदम फॉल वॉक करके किसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं सब। नेचर तो सर्वाइवल मोड पे डाल ही रहा है, काका भी सर्वाइवल मोड पे डाल रहे हैं। क्योंकि हम कप नूडल्स खा रहे हैं, मैगी पे ही गुजारा है यहाँ पे लगता है। और ये देखो क्या कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मेरे दांत कैसे सेंसिटिव हो गए। कुछ चीजें इस होटल की मुझे आपको दिखानी थी, ये देखो, ये कौन सा वो ये आता था शॉन्डरशिप माइको गग्गू, गग्गू बड़ा होता तो ऐसा ही दिखता, ऐसे उनके विंटेज यूटेंसिल्स दिख रहे। देखो डेविडसन, देखो ये क्या पता नहीं, ये बहुत हैवी है, ये मैंने उसी दिन देखा था। कितना प्रिटी है ये। गुड मॉर्निंग, आज है 22nd में, कल ऑक्सीजन की दिक्कत कम हुई थी और वो गोली के साइड इफेक्ट ज्यादा हुए थे। सीन ऐसा था, मैंने जब से वो गोली ली तब से मेरे फेस पे मैं बार बार सबको कह रही थी कि ऐसे यहाँ पे ना टिंगलिंग सेंसेशन बहुत हो रहा था, और वो सेंसेशन इतना एक्सट्रीम नहीं था, पर वो कंटिन्यू 10 घंटे मेरे फेस पे था, और मेरा फेस नम्ब होते जा रहा था। और ऑक्सीजन की कमी ये नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे ब्रीथ करने में तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं बात करते वक्त जैसे हम नॉर्मल हाफ रहे यहाँ पे, वैसे ही हाफ रहे, जैसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा था, या फिर ना मेरे को और कोई ऑक्सीजन के कम होने के सिम्टम्स आ रहे थे, वैसा भी कुछ नहीं था, पर वो गोली के साइड इफेक्ट ज्यादा थे। मुझे एक्चुअली वो आयुर्वेदिक गोली लेनी चाहिए थी जो हमें वो मोटर्स वाले पाजी ने बोली थी वो, पर मैं वो नहीं लिया, तो आज मैंने वो गोली नहीं लिया। अब तक तो हम ऑलरेडी काफ़ी दूर आ चुके हैं, मैं ओके हूँ, ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही। और अभी जो हमारे ड्राइवर अंकल है, हाँ, एक तो उन्होंने मुझे ये चश्मा दिया उनका खुद का निकाल के, और वो उन्होंने दूसरा पहन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत है और आइस का रिफ्लेक्शन भी इतना है ना कि बहुत तकलीफ होता है रास्ते देखने में वगैरह, बहुत धूप है ऐसा।
तो उन्होंने उनका चश्मा मुझे दिया पहनने के लिए और वो उन्होंने दूसरा पहना और उन्होंने कहा कि लहसुन का पानी पीना या फिर ऐसे नेचुरल चीज़ें करो, ये गोलियां वगैरह अवॉइड करो, आप यंग हो, आपका कार्डियक हेल्थ ओके है, आपको इतना कुछ, और आप स्मोकर नहीं हो या फिर ऐसी चीज़ें आप कुछ इतना मतलब ऐसा ये नहीं कर रहे हो कि जिससे आपके हार्ट को इश्यूज है, तो वो नेचुरली बॉडी खुद को उतना पुल कर लेती है। तो उनका तभी शायद मैंने अगर सुन लिया होता तो मैंने गोली नहीं ली होती, पर कल मेरा दिन पूरा बहुत गंदा गया था। रात को तो मैं शिवर कर रही थी, मतलब नॉशिएटिक था, डीजी थी, खूब वाट लगली होती माझी रात्रभर, मला कोणाची बोलायची पण इच्छा नव्हती। पर फिर भी रात को खाना खाने हम बाहर गए, तब मैं थोड़ा सा ओके फील किया मैंने चल के, और जब रात को मैंने खाना खाया तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है ना कि तुम्हें बॉडी को ज़्यादा फूड और वाटर मतलब याद भी नहीं रहता पानी पीना है, पर वो पीना चाहिए क्योंकि ठंडा वेदर है तो ऐसा बॉडी को प्यास नहीं लगती है, पर अंदर से तुम डिहाइड्रेट होते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई और कल रात सच कहूँ तो मैं ऐसी भगवान का नाम ही ले रही थी, मेरे को लगा था कुछ बड़ा ना हो जाए, बट थैंकफुली नहीं हुआ। सुबह से मैं एकदम ओके हूँ, अभी अगला प्रवास यहाँ से शुरू करते हैं। चंगला पास करके कुछ है, यहाँ पे रुके हैं और आज मैंने गोली नहीं लिया तो मेरे को बिल्कुल त्रास नहीं हो रहा है, आज मैं एकदम ओके हूँ। अच्छा खासा मेरा प्लान था, खाना खा के आई थी, सोचा अब सो जाऊंगी। ड्राइवर अंकल बोल रहे हैं अब तुम गाड़ी चलाओ, अभी मैं थोड़ा सोता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो अभी अपन ही चलाएंगे। ये वाली गाड़ी है अपनी और ये चलाने में भी अलग ही मजा है, तो देखते हैं कैसा लगता है ये चला के। मैंने अभी ऑब्जर्व करी, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर सेम एज दे अपीयर। ये ऐसी वाली गाड़ियों का सीन है का, क्योंकि अपने गाड़ियों पे क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, तो ये वाली गाड़ियों में शायद ऐसा है। बताओ मुझे आइडिया नहीं इसका, कमेंट्स में बताओ। तो डॉक्टर जी आज कौन सा गाड़ी चल रही है? पेटी पैक गार्डन में देने चले तेरे को लेके आएगा ना, वो भी ऐसे रेस देना पड़ता है। ऐसा नहीं, पर वो एक क्लच में पीछे आ जा, मतलब क्लच दबा के एक बार रेस दिया ना तो पीछे आ जाते हैं। बैलेंस मिला है ना, फिर कोई भी गाड़ी होगा बैलेंस मिल गया ना। हां पर वो हमारी गाड़ी नई भी है ना, तो वो नई गाड़ी में इतना दिक्कत नहीं आता, तो सिर्फ क्लच छोड़ो तो भी आ जाते हैं। हां तो पीछे आ जाते हैं। तो सही से ना है, थोड़ा वाय झाले ना गाड़ी चा, थोड़ा ना झाले असं झालं। आणि जरा टवेरा चांगली ठेवली होती ही, जरा नाही त्या टायमाची लक्झरी एसयूवी होती ती, आत्ताची नाही डेफिनेटली, पण त्या टायमाची लक्झरी एसयूवी होती ती। त्याच्याकडे तवेरा तो मोठा शाना, तवेरा पॉलिस। एसी रोड में तुम्हारी असलियत पता चलती है कि ड्राइविंग के मामले में तुम कितने पानी में हो, क्योंकि अपने यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए इतना कुछ लगता नहीं है, पर यहाँ पे जो मजा आ रहा है सिटी में ऐसा लगता है कि यार अपने को तो गाड़ी आती है, आती है। यहाँ पे जो टर्न्स इतने शार्प टर्न्स है ना, और गाड़ी भी बड़ी है और हर चीज़ ही गाड़ी का मतलब थोड़े बहुत जो फर्क होता है वो होते हैं, वो मजा आ रहा है। मम्मी दिखना शुरू हो गई है और पीयूष
आयुष भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं। कैसा लग रहे हैं? मजा आ रहा है। और ये हमारे अंकल पीछे मस्त आराम कर रहे हैं। ये कंडक्टर हो? कंडक्टर। कैसी गाड़ी चल रही? बहुत अच्छा। और इसने? ठीक ही चलाया, थोड़ा हाथ भारी है। यस, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला। हमारे अंकल जो खुद पॉल वॉकर के टीचर रहे हैं, वो अभी उनके उनका सन है ये गाड़ी चलाना, और वो अभी फुल पावर में आ गए हैं, उनका सन साजरा कर रहे हैं वो। आपला वय नाही तेवढं ते गाडी चालवत आहे। यहाँ से कहीं पे चाइना है वो कह रहे है या भैंस है, मेरे को फर्क ही नहीं समझ रहा। जो अरे उसका बच्चा है, शायद यॉक है ये। यॉक 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 नहीं यॉक। ये कह रहे हैं ये पहाड़ के पीछे चाइना है, और अभी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं एज यूजुअल, और बाइकर्स हमारे पीछे है। नहीं बहुत दूर है, ठीक है तो चलते हैं। रिजंगला पास पहुंच गए हम। अच्छा मॉर्निंग। आज है क्या है पता नहीं डेट, कल रात हमारा स्टे था पैंगोंग लेक, तो वहाँ पे शूट मतलब वहाँ पे -4 डिग्री
टेम्परेचर और उसमें तेज हवा। वहां मैं रूम से ना निकलू पर खाने के लिए निकल गई थी बस उतना ही। और फिर वहां से सुबह हम जल्दी निकले। अभी हम उमलिंग नाम में स्टे कर रहे हैं और ये लोग सुबह आज 7 बजे उठ के उमलिंगला के जो टॉप है वहाँ पे गए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टॉप ऐसा कुछ है वो, वहाँ पे ये लोग गए हैं। और मैं 12 बजे तक मस्त सोने का प्लान में थी पर नहीं, 10-11 बजे उठ गई हूँ। अभी नाश्ता किया और अब ये 12-12:30 तक आते होंगे। और यहाँ पे ये होटल में लाइट का ऐसा सीन है, अभी तो लाइट है पर लाइट जब जाती है तब वो शाम को 7 बजे आती है, फिर कुछ 10 बजे तक रहती है और सिर्फ आधा घंटा 7 बजे लाइट आने के बाद गर्म पानी रहता है और सुबह गर्म पानी रहता है आधा घंटा। मतलब इतना इधर फैसिलिटीज़ नहीं है कहीं पे भी, पर ये होटल काफ़ी अच्छा है। डेवलपमेंट हुआ नहीं है पूरी तरह से इसका और बाकी होटल्स का भी, पर ठीक है, बहुत सर्दी खांसी कफ सब हो चुका है। मेरा रेस्ट प्रॉपर हुआ है, मस्त मैं सोई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब क्या ही बताऊँ। अभी जो फ्रेश लग रहा है अलग ही, सर्दी कफ तो है पर वो ओके है। अभी हम यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर उपसी करके उधर जाएंगे। आज का स्टे कहाँ पे पता नहीं, अभी देखते हैं। और ना हमारे जो अंकल है भाई जिनको हम कहते हैं, उनको अपने को आज एक सनस्क्रीन देना है, तो वो आपको मेन उसका पहला इंटीग्रेशन जो है वो श्रीमान के ब्लॉग में दिखेगा, फिर मैं ये ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको, मैं उनको सनस्क्रीन लगा सिखाऊँगी। करने घूम रहे और 2 घंटे से ये इसका यही चालू है मेडिटेशन। बहुत अच्छा बाजार है, ये सस्ते में दीजिए ना दीदी, यही अच्छा, वो छोटा वाला है ना वैसा। और यहाँ पे सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं, ये मैंने लिया मेरी दोस्त के लिए। अन पोरगा बरा प्रत्येक ताई दाखवतात आणि हा ते वाजवत बसला इकडे येऊन। ये मेडिटेशन टेक्निक्स है दोस्तों, मैं अपना शॉप खोलने वाला हूँ मेडिटेशन का, पर महीने 1000 रुपये। कम नहीं है थोड़ा? नहीं थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, शुरुआत ही में 1000। और तुम बजाओगे क्या सबके लिए ये? पाइनएप्पल का एक कुछ अलग ही आइटम है दोस्तों, थाईलैंड से आया है, थाईलैंड से। और इधर भी है ना कोकोनट का है, ये पता नहीं कहाँ से है बट ये भी थाईलैंड का ही होगा, लेकिन अभी मैं मैंगो, अभी मैं कोकोनट पिएगा, सॉरी पाइनएप्पल पिएगा और चो बताएगा। ओके, मार्केट घूम लिया और अभी हमको भूख लगी है तो हमने ये बैक कैमरा यूज़ करना कब सीखूंगी पता नहीं, पर ये वॉलनट केक मंगाया है और ये नहीं खाने वाला है क्योंकि नो शुगर, मैं ही खाने वाली हूँ सिर्फ। क्या कह रहे हो? एज फॉर शुगर और एज फॉर श्रीमान, ऐसा कोई तालमेल नहीं ब्रो, एज फॉर नो शुगर फॉर श्रीमान। अपन हेल्दी खाते हैं, खाना है ना दादा, अपन हेल्दी खाते हैं, हेल्दी जीता है ब्रो। बांदली की क्या मंगाया जरा ऑर्डर रिपीट करो। मैंने प्योर वेज पनीर मोमोज मंगवाए विद ऊपर से ऐसे स्प्राउट डाल के, और मोमोज पे स्प्राउट, यस अच्छे लगते हैं। फर्स्ट जो अपना व्लॉग था वो हमने पैकिंग से शुरू किया और ये व्लॉग भी हम पैकिंग पे एंड कर रहे हैं। पैकिंग करनी ही है क्योंकि अभी 2 सिनेरियोस है, एक तो ये जो बॉयज है अभी गए हैं देखने कि अभी हम लेह में हैं, हम पैंगोंग में थे, हम वहाँ से फिर से लेह में आए, उपशी में हम रुकने वाले थे और वहाँ से हम उपशी से आगे शायद हम दूसरे दिन मनाली निकलने वाले थे, पर वो रास्ता बंद था जैसे मैंने पहले कहा था ना कि एक दिन यहाँ से व्हीकल्स छोड़ते एक दिन वहाँ से व्हीकल्स छोड़ते, और बाइक पे वो वहाँ पे जो शायद आर्मी से ही हमने वहाँ पे पूछा पास पे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये बाइक लेके जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी स्पेशली सरचू में, वहाँ पे स्नो तो है ही पर ऑक्सीजन की भी बहुत दिक्कत, तो वो एक रात को उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम लेह में आके फिर से याकटेल में रुके हैं। अभी कुछ देर पहले ऐसा चल रहा था कि सारी जो बाइक्स है वो हम ट्रक में वगैरह भेज देंगे आगे और हम वो बोलेरो अपना जो कैंपर है उसमें से जाएंगे, ये चल रहा था। पर वो अभी जो ट्रक वाले है वो कह रहे हैं कि 320 किलोमीटर है यहाँ से कुछ मनाली, वो इंटू 2 times चार्ज करेंगे, मतलब यहाँ से मतलब उनका यहाँ तक आना और यहाँ से मनाली जाना ये वो चार्ज करेंगे, और पर किलोमीटर यहाँ पे 60-65 रुपीज़ कुछ
चार्ज है, क्योंकि ये जो रास्ता है मतलब प्लेन रास्ते में वो 30-35 करता है, ये जो यहाँ पे घाट वगैरह है, आइस है, स्नो है कि नहीं पता नहीं बट हाँ है, तो ऐसी चीजें हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तो 60-65 चार्ज करेंगे, तो वो जाता है ऑलमोस्ट 50,000 के यहाँ पे, तो जिसका सेंस नहीं बनता है 50,000 देना। तो अभी प्लान ऐसा है कि अगर वो सस्ते में हुआ तो बाइक जाएंगी मनाली, हम जाएंगे कार से मनाली, अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं कल लेह से फ्लाइट लेके मुंबई आ जाऊंगी और ये लोग फिर से श्रीनगर वगैरह ये करके दिल्ली और फिर मुंबई ऐसा ये घूम के आएंगे। मैं आ सकती थी बाइक से बट एक तो उतना दिन ट्रैवल बढ़ेगा, रुकने जैसा कहीं पे और कुछ देखना बाकी नहीं है, वो सिर्फ ट्रैवल रहेगा, डिस्टेंस काटना रहेगा, और दूसरी बात अगर मैं हूंगी तो उनको एक तो मेरा सामान बाइक पे रहेगा, सेकेंड चीज की थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे कि अगर ये बॉयज है ये रात को 2 बजे रुक जाते हैं कहीं पे और फिर वो जो उनको मर्जी कहीं होटल दिख जाए वहां पे रह लेते हैं, इशू नहीं होता है, अगर मैं रहूंगी तो थोड़ा सा सिटी प्लेस में या पब्लिक जहाँ पे लोग आते जाते हैं ऐसी जगह पे होटल्स लेने पड़ते हैं, कैसे कुछ नखरे का सीन नहीं है, रिस्क फैक्टर होता है, तो वो चीजें करनी पड़ेगी, फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा, बजट बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो इससे अच्छा वो सब ड्रॉप करके वही पैसे मैं फ्लाइट में डाल के कल लेह से फ्लाइट करके मुंबई आ जाऊंगी, ये ऐसा मेरा प्लान है। अभी वो आएंगे तब पता चलेगा क्या सीन है, अब मैं ये पैकिंग पूरा करूंगी, इधर मनाली जाएंगे या घर जाएंगे, बहुत सी शॉपिंग की है पर अभी नहीं दिखाती, वो अगर व्लॉग बनाया तो व्लॉग में, नहीं तो मैं इंस्टा पे वो सारी चीजें डाल दूंगी कहाँ से लिया क्या लिया, बहुत सस्ते में 100-100 रुपया से कानातले मस्त बऱ्याच गोष्टी घेतलेले। आजचा व्लॉग यही तक था, अगर नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं होगा तो मनाली वाला होगा, नहीं तो फिर बूट कैंप में जाके या घर पे जाके देखते हैं क्या सीन है। ये व्लॉग मुझे पता है बहुत शॉर्ट ऐसे पीसेस में था, ऐसा फ्लो नहीं था क्योंकि मैं बीमार गिर गई थी, तो जब पॉसिबल हुआ तब मैंने शूट किया। पैंगोंग लेक में -4 डिग्री टेम्परेचर था, तो मेरे से एक्सपेक्ट मैं खुद ही नहीं कर सकती ब्लॉग बनाना, उसके लिए सॉरी। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।